अब अगर आप सपोज करो ये पंचर हो जाए, ऐसी खतरनाक चीज सिर्फ रॉयल एनफील्ड ही कर सकती है। कुछ लोगों को लगता होगा कि आप ऐसे होके बैठोगे आपकी हाथों में दर्द हो जाएगा। कसम से इस गाड़ी में इतनी पावर है, टूरिंग के लिए ये बाइक यूज हो सकती है कि नहीं, इसे आगे पीछे करना खुद में एक इश्यू हो जाता है। अगर आपने फर्स्ट गियर में फुल थ्रॉटल ले लिया Hi everyone, welcome back to my channel. आज हमारे साथ है the beast Continental GT 650 Mr. Clean Edition। मैंने राइड रिव्यू ऑलरेडी इस चैनल पे पहले डाल रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जाकर देखना। और हाँ, इस वीडियो में हमारा सारा फोकस होगा इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पे, अगर ये गाड़ी लेनी है तो किन्हें लेनी चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, छोटे मोटे जो नुकसान हैं सारे काउंट करूँगा और खुल के बात करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए एडवांटेज से स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इस बाइक का वो है इसकी प्राइसिंग। 4 लाख रुपए में ये बीस्ट 650 सीसी के साथ पैरेलल ट्विन इंजन के साथ हमें मिलता है, ये कारनामा तो कोई कर ही नहीं पा रहा है। आप ही मुझे बताइए इस प्राइस रेंज में कौन सी ऐसी मतलब कैफे रेसर है या कोई भी बाइक है जो इतनी सीसी हमें देती है। दो ही है, या तो इंटरसेप्टर या कॉन्टिनेंटल, और दोनों एक ही ब्रांड के अंदर फॉल करती है जो है रॉयल एनफील्ड। तो ये रही इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज कि ये 4 लाख रुपए में आपका कैफे रेसर का शौक पूरा कर देगी। तो एडवांटेज नंबर टू, जैसा इसका इंजन है वैसी इसकी पावर है। कसम से इस गाड़ी में इतनी पावर है कि अगर आप गाड़ी पे बैठे हो, अगर आपने फर्स्ट गियर में फुल थ्रॉटल ले लिया आप पीछे घिसक जाओगे, मुझे तो डर है कहीं पीछे वाली सीट पे ना चले जाओ, इतनी ब्रूटल पावर है इसमें। और ये बात भी है, आप मुझे कोई भी ऐसी बाइक बताओ, हाँ सुपर बाइक को छोड़कर, जब ये बाइक किसी सड़कों पर चलती है तो आप इसे किसी से भी कंपेयर कर सकते हो, किसी से भी ड्रैग कर सकते हो, किसी को भी ओवरटेक कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि कोई सुपर बाइक ना हो आसपास, वरना अगर सुपर बाइक नहीं है तो उस सड़क का राजा है ये, क्योंकि इसमें इतनी रॉ इतनी ब्रूटल पावर है। और जो इसकी तीसरी एडवांटेज है वो है इसकी लुक। आप खुद एक बार गौर से देखिए कितनी सेक्सी लग रही है ये बाइक। हाँ ये कैफे रेसर कैटेगरी में फॉल करती है तो काफ़ी एग्रेसिव लगती है देखने में, जो इसकी खूबसूरती को और चांद चांद लगाता है। अब आप ही मुझे बता दो, मतलब जिनको पता है वो बताओ कि कौन सी ऐसी कैफे रेसर बाइक है, हाँ सुपर बाइक को छोड़कर, जो इसको टक्कर दे पाएगी। एक भी नहीं है यार। हाँ एक है वो बिट प्लेन, लेकिन वो 250 सीसी है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो काफ़ी छोटी सीसी में आती है। तो इस ब्रूटल पावर के साथ, इतने अच्छे सेगमेंट में, इतने अच्छे इंजन के साथ, इस इतने अच्छे लुक को अगर आप कंपेयर सबको आप मिला दोगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन साबित होती है हर चीज़ को लेकर। तो आपको तो पता ही है 650 सीसी का इंजन हो गया, 47 bhp का पावर हो गया, इतनी अच्छी लुक हो गई, एग्रेसिव पोजीशन हो गया, ये सब को आप अगर मिला दोगे तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन इस प्राइस रेंज के साथ मिलना असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ऐसा खतरनाक चीज़ ऐसी खतरनाक चीज़ सिर्फ रॉयल एनफील्ड ही कर सकती है। ना जाने रॉयल एनफील्ड ने कितने लोगों के कैफे रेसर राइड करने का सपना पूरा किया है इस बाइक की वजह से। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बहुत लोगों को कंसर्न होता है कि हम क्या ये बाइक लेके टूर वगैरह कर पाएंगे कि नहीं, टूरिंग के लिए ये बाइक यूज़ हो सकती है कि नहीं। तो देखो ऐसा है कि हाँ हमें देखने में तो लगता है ये काफ़ी एग्रेसिव सिटिंग पोजीशन है, ठीक है, जब आप इसको चलाओगे तो आपको समवॉट स्पोर्ट टूरर वाला फील आएगा। तो हाँ ये बिल्कुल मन में मत रखो कि हाँ आप इसे कोई टूर नहीं कर सकते या आपको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आराम से आप इसे अच्छे अच्छे मतलब कि अच्छे शहरों में टूरिंग कर सकते हो, हाईवेज पर टूरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और टूरिंग वाली कैटेगरी को एक और चीज़ की सपोर्ट करती है, वो है इसका कंफर्ट। ये सीटिंग पोस्चर इसका इतना अच्छा है, तो इसकी सीट की कुशनिंग इतनी अच्छी है, इतनी सॉफ्ट है कि आपको उतना हैक्टिक नहीं लगेगा। हाँ कुछ लोगों को लगता होगा कि आप ऐसे होके बैठोगे आपकी हाथों में दर्द हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उतनी अग्रेसिव नहीं है ये। पर अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जाओगे, सिंस कैफे रेसर है थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा ही, क्योंकि ये पोस्चर ही अग्रेसिव है भाई, थोड़ा बहुत तो हाथ में दर्द होता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगे, नहीं। हाँ राइड टू राइड या राइडिंग स्टाइल्स पे भी डिपेंड करती हैं ये चीज़ें। तो हाँ एक और कंसर्न जो बहुत लोगों में रहता है इसके ग्राउंड क्लियरेंस को लेके। देखो मैंने खुद ये बाइक और ओनर ने ये बाइक बहुत अच्छे से लंबे लंबे टूर्स हमने भी मारे इस बाइक से, ऐसा कोई खास ऐसा हमें प्रॉब्लम नहीं आया ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर। हाँ छोटे मोटे पॉट होल्स ब्रेकर्स तो आराम से क्रॉस कर जाती है, जहाँ बात आती है थोड़े बड़े ब्रेकर्स की या बड़े पॉट होल्स की, तो अगर आप गाड़ी को धीरे करके निकालोगे तो आपको ज़रा भी कुछ महसूस नहीं होगा, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस
आपका वो ऑब्स्टेकल नहीं बनेगी अगर आप ये गाड़ी को लेना चाहते हो तो। हाँ, एक चीज और मैं भूल गया, वो है इसके डुअल एग्जॉस्ट। अभी इसमें स्टॉक लगा हुआ है, हमने कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करवाए, स्टॉक एग्जॉस्ट है जो हमें मिलता है कंपनी से। और कसम से इसकी आवाज़ इतनी सेक्सी है कि हमें फील ही नहीं हुआ कभी चेंज कराने का। हाँ, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ लाउड लाउड वॉइस है ना, प्रॉपर थ्रस्ट भी आपको रॉयल एनफील्ड का जो सिग्नेचर थ्रस्ट है वो भी देखने को मिलेगा। पर अगर आप इसको चेंज करवा के, बहुत सारे नए नए ब्रांड्स आते हैं, अगर आप वो लगवाओगे तो आपको ये प्रॉपर सुपर बाइक वाली फील देगी, क्योंकि चलाने में भी उतनी ही मजा आता है और इसका थ्रस्ट भी उतना ही अच्छा लगेगा सुनने में। और जैसा कि आपको पता है डबल सिलेंडर है तो वह आवाज़ तो इसका लाजवाब होगा ही। एक और बात, जो हमें ये स्टॉक मिरर्स मिली है ये मुझे उतनी खास पसंद नहीं आ रही है, पर हाँ अगर आप इसके जगह बार एंड मिरर्स लगवाओगे तो आपका लुक और एनहेंस हो जाएगा, मतलब दोगुना अच्छी लगने लगेगी ये। मेरा रीज़न ये है, एक तो अवेलेबल नहीं है, दूसरा क्या है ना, जब आप बार एंड मिरर लगाते हो तो विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे थोड़ी विजिबिलिटी की इशू होती है क्योंकि ये मेरी प्राइमरी गाड़ी है, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, मैंने इसलिए स्टॉक रखा है, विजिबिलिटी मेरी इशू है, और कोई बात नहीं है, आप चाहो तो बार एंड लगवा सकते हो। ये गाड़ी एज इट इज़ है, मैंने इसमें कोई भी मेजर कस्टमाइजेशन नहीं करवाई है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करवाया जो रोड लीगल ना हो। मेरा बहुत मन था एग्जॉस्ट चेंज कराने का, पर मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो लीगल नहीं है और मैं कुछ ऐसा करना नहीं चाहता, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये मिरर भी पसंद नहीं थे, मैंने बार एंड नहीं लगवाया, क्यों? क्योंकि विजिबिलिटी कम थी। हाँ, मैंने सिर्फ एक चेंजेस किए हैं इसमें, वो है माइनस हेडलाइट। वो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि क्या है, इसमें हैलोजन था और वो उतनी मतलब मुझे विजिबिलिटी का इशू हो रहा था, तो मैंने माइनस हेडलाइट वो भी मजबूरी में लगवाया क्योंकि रॉयल एनफील्ड में अभी सुपर मीटियोर में हमें LED देखने को मिलता है और किसी में था नहीं, तो बस यही रीजंस थे। एज सच मैंने कुछ कस्टमाइजेशन कराया नहीं है, हाँ, पर अगर मैं फ्यूचर में कभी करवाऊंगा तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो ये तो हो गई सारी अच्छी अच्छी बातें, तीन चार चीज़ें ऐसी है जो काफ़ी राइडर्स को परेशान करने वाली है। अगर आप यूज टू इट नहीं हो कैफे रेसर के, या आपने पहले कभी नहीं चलाया है, या आपकी प्राइमरी गाड़ी है, आपने पहली बार लिया है, तीन चार चीज़ें हैं जो आपको बहुत परेशान करेगी। तो चलिए अब एक एक करके उसको एड्रेस करते हैं। तो जो सबसे पहली पॉइंट है वो है इसके टायर्स। इतनी पावरफुल ब्रूटल रॉ पावर के साथ हमें गाड़ी मिलती है और इतने छोटे छोटे टायर्स। चलो ठीक है, 100 सेक्शन का आगे का टायर है, 130 सेक्शन के पीछे का टायर है, वहाँ तक भी सही है भाई। चलो ठीक है, आपने इसे थोड़ा विंटेज लुक दिया, पर ट्यूबलेस। अब अगर आप सपोज करो ये पंचर हो जाए तो इंसान को ना तुरंत रेग्रेट हो जाएगा इस बाइक को लेने का, क्योंकि क्या है ना, अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब अगर आप किसी मतलब कि रूरल एरिया में हो तो आप इसका पंचर बनवा पाओगे, क्यों? क्योंकि इस बाइक में डबल स्टैंड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों तरफ से डबल एग्जॉस्ट है, तो पंचर बनाना उतना भी आसान नहीं है इसका जितना लोगों को लगता है। तो ये एक इशू हो जाती है ऐसे समय के लिए, ऐसी जगह के लिए जहाँ पे कोई एक्सपीरियंस पंचर वाला नहीं हो। नॉट डिसएडवांटेज नंबर टू, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, और ये इसकी बात नहीं है, रॉयल एनफील्ड ले लो, जावा ले लो, आप कोई भी 400 सीसी के प्लस की बाइक ले लो, उसमें ये इशू आता है, वो है हीटिंग इशू। अब क्या है, चलो अभी सर्दी का मौसम है तो ठीक है, आपको इतना फील नहीं होगा, पर गर्मियों में अगर आपने शॉर्ट्स डाल के ये बाइक निकाल ली, कसम से आपकी वैक्सीन हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, इसमें इतना ज़्यादा हीटिंग इशू है, और होना भी चाहिए क्योंकि हायर सीसी की गाड़ी है। पर क्या है ना, अब ये जैसे मिस्टर क्लीन एडिशन है, इसमें साइड टैंक पैड तो हमें मिलता नहीं है। अब क्या है ना, कुछ लोग नहीं लगवाते, लुक खराब हो जाएगी, और लुक को बचाने जाओगे तो आपकी वैक्सीन हो जाएगी, तो ये थोड़ा वो वाला सीन हो जाता है कि इंसान करे तो करे क्या। तीसरी और आखिरी पॉइंट जो मुझे लगती है वो ये है, अगर आप इसकी टैंक फुल करवा दो या अच्छा खासा पेट्रोल डलवा दो, ये 200 प्लस केजीज की हो जाती है। अब क्या है, एक तो इसका पोस्चर एग्रेसिव है, ऐसे सीटिंग पोस्चर, और ये गाड़ी इतनी भारी हो जाती है, चलो यहाँ तो प्लेन सरफेस है, अगर हल्का भी इंक्लाइंड सरफेस मिल गया या आपने कहीं गलती से ऑफ रोडिंग वगैरह कर दी तो भाई साहब बहुत कष्ट हो जाएगा, इसे आगे पीछे करना खुद में एक इशू हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, और हाँ, और गलती से अगर आप कभी अनबैलेंस हो गए तो क्या है ना, एक सर्टन एंगल के बाद अगर ये गाड़ी मुड़ गई तो ये गिर के ही मानेगी, देर इज़ नो कमिंग बैक, और फिर वही है, गिर गया तो डेडलिफ्ट मार के उठाओ इस गाड़ी को। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, अगर मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा, तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओ आप लोगों को और किस बाइक के बारे में जानना है। हाँ, मेरे पास नहीं होगी तो किसी से लेकर दिखाऊंगा, पर क्या करूँ, अब जब जिम्मेदारी ले ली आप लोगों को एजुकेट करने का तो करेंगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और हाँ, शेयर करो भाई। बहुत जल्द मैं इसका माइलेज टेस्ट का रिव्यू लाने वाला हूँ, और हाँ देखो, बैक पैक हो गई है, इसमें है तेल, और वीडियो की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है।
बहुत जल्द मिलते हैं इस वीडियो के साथ।